गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशना और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान। बहुत जल्दी हो रही थी और मेरी बात पूरी थी। अस्सलाम वालेकुम बैठ गए बोलने तो दे भाई। अब नहीं बोलूंगा, बोलो अब तुम। जी अब्दुल बासित, बताओ कि हम क्या करेंगे। जी अब्दुल बासित खान, हम लोग क्या देखने वाले हैं बताओ। आप चाहें जैसे आप मेरे जगह छीन लेते हैं, मैं आपकी छीनूं। नहीं बासित नहीं, मैं इस मामले में बहुत अच्छी हूं। चलो ये तो पता है। जी जी अब्दुल बासित, सिक्योरिटी चेक हम देख रहे हैं। सिक्योरिटी चेक स्टैंड अप कॉमेडी बाय वरुण ग्रोवर। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी वरुण ग्रोवर की तो देखेंगे। इनको तो आप जानती होंगी, काफी इन्होंने काम किया इंडस्ट्री में, तो देखते हैं इनकी वीडियो पे। ये हमें जानते हैं? ये हमें नहीं जानते। व्हाट्सएप पे र्यूमर आया होगा सबको कि इंडिया का नेशनल एंथम यूएन ने दुनिया का बेस्ट नेशनल एंथम चुना, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में दुनिया में हजार जगह वॉर चल रही है, स्ट्राइफ है, भुखमरी है, सब कुछ है, यूएन वहां बैठ के इंडियन आइडल खेल रहा है। वहां उन्होंने 3 जज बिठा रखे, कोफी अन्नान, बुतरस घाली और अन्नू मलिक। और वहां आ रहे हैं लोग एक एक करके अपने देश का गा रहे हैं। अन्नू मलिक बोल रहा आग लगा देगा तू आ गए। हम ऐसे क्यों हैं? हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म। सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछते ही आप ट्रबल में आ जाओगे इस देश में। ये बचपन से हमको कल्चरली सिखाया गया है। उसका एक बहुत सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल है हमारे देश में, जिस तरह की सिक्योरिटी है, आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते, भले आपको कम्प्लीटली इलॉजिकल लगे, है ना। आप मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, उसका इंसेंटिव रुका हुआ है, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। लेकिन मिलेगा तो मिलेगा, आप पूछ नहीं सकते उससे। वो जैसे कई बार नहीं, वीकेंड में बहुत भीड़ होती है, तो वो ऐसे जल्दी जल्दी चेक करके, एक बार उसने बाहर से ऐसे देखा, ऐसे दबा के देखा, मैंने धीरे दबाओ फट जाएगा। बोला आप आओ साइड में। क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट। बोला नहीं आप अपने बॉस को बुलाया, मेरी ग्रिलिंग हुई। बोला आपने ऐसे कैसे बोला? नहीं मैं जनरली एज अ कंसर्न सिटीजन पूछ रहा हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है। बोला आपको मतलब से क्या करना है? बोला अच्छा सिंपल बताओ मेरे को, आपका स्टेप 2 क्या है अगर आपको बॉम्ब मिला? डंडा है उस आदमी के हाथ में, वो क्या ऐसे करके क्या कर। बोला नहीं आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, आप फॉलो नहीं कर रहे रूल। मैंने बोला रूल की बात नहीं है भैया, मेरे को बता ना इसका होने क्या वाला है, आप बताओ। अच्छा मेरे को यही बता दे, कौन टेररिस्ट होगा जो बैग में बॉम्ब लेके आएगा फिर लाइन में लग जाएगा? एज अ टेररिस्ट क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? ये थोड़ा कि अच्छा पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो ना। बोला नहीं आप ये सब बकवास मत करो, आप आगे से ये सब मत पूछा। ठीक है भाई, फिर स्टेप 2 आता है जो सेकंड रिंग, वो मेटल डिटेक्टर। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट मैं उसमें से लेके गया हूँ। एक की आवाज आती है टू। मैंने उससे पूछा अच्छा अंकल ये बताओ असली बॉम्ब जाएगा तो कौन सी आवाज आने वाली है? आपको पता है? बोला आप आओ साइड। मैं पूछ रहा हूँ भैया, लॉजिक सिंपल। बोला ना ना ये सब पूछ नहीं सकते आप। स्टेप 3 वेयर दे फ्रिस्क यू, दे गेट फिजिकल व्हाटएवर विद यू एंड दे आर वेरी गुड एट इट एक्चुअली। ऐसे ऐसे फोड़े ढूंढे उसने मेरी बॉडी में, बोलता आपकी गांड में फोड़ा है। मैंने बोला ओके अब से मैं हेल्थ चेकअप के लिए यहीं आया करूंगा। उसमें भी आपने देखा लेडीज के लिए अलग से ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं, उसमें वो जाती हैं, कर्टेन लगा हुआ है, मर्दों का खुले में दबा दो। हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने बोला आप ले लो 500 रुपए, हमारे लिए एक पर्दा लगवा दो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने दिए 500। बोला ये तो डिमोनेटाइज हो चुका है। नहीं मतलब और उसमें क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। आई हैव सीन वुमन गो वेरी सीरियस एंड कम आउट स्माइलिंग, आई डोंट नो। ये
लेकिन आप सवाल नहीं पूछ, आप नहीं पूछते वो होटल आप जाओ तो वो कार के नीचे वो ऐसा मिरर लगा के देख रहा है कि भैया कार के नीचे बॉम्ब। मैं साले 80s की फिल्म का विलेन हूँ क्या, नीचे बॉम्ब लगा के क्यों आऊं। मैंने बोला उसको कि सर बॉम्ब लाना होगा, मैं सीट पे रख लूंगा। बोला आप उतरिए फिर। जस्ट मेटाफर है यार, समझो ना बात को यार, ऐसे सीधा ले ले तो पकड़ ले। बोला नहीं ये सब आप बकवास नहीं कर सकते, ये सब क्या है ऐसे नहीं बोल सकते। बोला ठीक है यार मैं मजाक, लेकिन नहीं ना यहाँ समझा के नहीं होता, आप किसी को नहीं समझा सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते बेसिक। ये एयरपोर्ट पे मैं सिंघाड़े लेके आ रहा था, बॉम्बे आ रहा था सिंघाड़े, आपको पता है वो पानी फल वाटर चेस्टनट, अमीर लोग वाटर चेस्टनट जानते होंगे, मिडिल क्लास लोग सिंघाड़ा जानते होंगे। 30 रुपए किलो होता है वाटर चेस्टनट बोल के 800 रुपए की डिश देते हैं, उसमें दो होते हैं काट के छोटे छोटे, नाम से ही बड़ी इज्जत बदल जाती देश में। अमीरों की बम होती गरीबों की गांड होती है, सिंपल। अमीर वाटर चेस्टनट खाते हैं, गरीब जो है सिंघाड़े खाते हैं 30 रुपए किलो खरीद के, हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने बोला चल मैं लेके चलता हूँ, ये आया मैं एयरपोर्ट पे धर लिया। उन्होंने बोला ये नहीं ले जा सकते। उन्होंने बोला सर ये तो सिंघाड़े हैं आप जानते हो ये फ्रूट है। बोला ना इसका ना छिलका बड़ा शार्प एजेस होते हैं थोड़े से, नॉट अलाउड, शार्प ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। मैंने बोला आर यू किडिंग मी, ये फ्रूट है आप भी जानते हो आपके शहर का फेमस फ्रूट है। बोला ना 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 रूल इज रूल, शार्प एजेस नॉट अलाउड। मैंने बोला आप बताओ मैं कितना चूतिया लगूंगा अगर मैंने सिंघाड़े से प्लेन हाईजैक कर लिया। मतलब क्या मेरा क्या किस तरह का प्लान है मेरा, अगर सच में हाईजैक करना हो किसी को, वो 2 साल ट्रेनिंग लेगा सीखेगा है ना, मार्शल आर्ट से लेकर प्लेन उड़ाने से लेकर प्लान होगी टीम होगी। ये नहीं कि भैया सुबह सब्जी मंडी गए सिंघाड़े दिखे आज हाईजैक कर लेते हैं। बोला सर वो सब मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप बताओ हम कितने चूतिए लगेंगे अगर आपने सिंघाड़े से हाईजैक कर लिया। मैंने बोला तो क्या बोल रहे हो। बोला आप नहीं ले जा सकते। मैंने बोला क्यों नहीं यार, इतना अच्छा फ्रूट है, आप क्या कोई सोल्यूशन दो। बोला आप ऐसा करो छील दो ले जाओ। कसम हमारे होम मिनिस्टर जी की, मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के 2 किलो सिंघाड़े छीले हैं। 2 किलो और वो खत्म हुए तो कोई साला 2 किलो मटर रख के चला गया, उसको लगा फ्री सर्विस मिल रही है। थैंक यू, यू गाइस हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ग्रेट वीडियो। तो बेसिक ये सवाल नहीं पूछने हैं, सवाल नहीं पूछने हैं, सिक्योरिटी चेक का सबसे बड़ा इशू है। वैसे वाकई एक बात है, तो हमने ये सोचा नहीं था जिस तरीके की अभी इनकी बातों से हमें ये हुआ और जहन गया कि वाकई यार उन्होंने कहा वो क्या कर लेगा, बॉम्ब पकड़ेगा डंडा तो उसके हाथ में, डंडे से क्या करेगा। और सिक्योरिटी चेक ये फॉर्मेलिटी नहीं होती एक तरीके से, आप समझ लो आप जा रहे हो कुछ भी चेक नहीं, आ जाओ गले मिल के छोड़ देते हैं। है गले मिला ही है, तो चेक कर रहा होता है मैं गले मिल लेता हूँ। अच्छा गले मिलने में ये सब मतलब वाकई सोचने वाली बात है कि यार मतलब जहाँ हम सोचे हम तो वैसे हाँ चेकिंग करवा के निकल जाते हैं। ये बात आज तक हमारे जहन में आई नहीं है, सीरियस बात है यही कि मतलब ये क्यों इस तरीके से चेक कर रहे हैं, मतलब क्या हम लेके आएंगे क्या लेके, ये कह रहे हैं ना हमने लेकिन कभी सोचा नहीं ना, बस हमें होता है हाँ यार चेकिंग होगी निकलना है, चेकिंग होगी निकलना है। अभी इन्होंने ये बातें बताई, ये भी सही बोला इसने कि मतलब खवातीन में और कभी कभी तो अजीब सा भी लगता है क्या हो गया भाई क्या कर रही है क्या कर सकते हैं बताएं ना, आपसे तो सवाल पूछ सकती हूँ। इसका मैं क्या जवाब दूँ, नहीं पूछ सकती आपसे तो बोले बेसिक ये सवाल नहीं पूछना। सवाल पूछ नहीं सकती, सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक, लेकिन बाकी एक सोचने वाली बात है क्यों ऐसा होता है, मतलब मर्दों को ऐसे ही चेक कर देते हैं, ऐसे ही पेल देते हर जगह हर, बस क्या कर सकते हैं, मासूम है ना हम लोग कुछ बोलते नहीं है, मासूम है कुछ बोलते नहीं, जो चेक कर रहे हैं वो भी मासूम ही होता है, वो भी मर्द होता है, चेक कर देता है
से छह भी था ना, अपने हेल्थ चेकअप के लिए यहीं आया करो। अच्छा इसने जो जो जवाब बताए ना, अगर ये जवाब वाकई हमने देना शुरू कर दिए तो नहीं छोड़ेंगे उस सिक्योरिटी चेक में जो खड़े हैं ना, वो नहीं छोड़ेंगे। पैसे तो हम ही नहीं छोड़ेंगे, इनको तो फिर भी इधर करके यूं भेज दिया ना, भेज दिया। हाँ यहाँ वाकई रसीद देंगे जो भी। हाँ ये सवाल नहीं है कि चेक क्यों कर रहे हो, ये डंडा मार के पट थोड़ी जाएगा। अच्छा हमने नहीं सोचा, जाते हैं गाड़ी में भी नीचे लगा के, हम ऐसे बैठे थे हायर चेक करने, लेकिन आपने पूछूंगा ट्राई कर जाते हैं आगे, ट्राई करूंगा वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फिर बासित से आज मिलने यहाँ पर, पता नहीं नेक्स्ट वीडियो में बासित हमारे साथ होना हो। तुम्हारा भी नाम लेना बोलूंगा इस वीडियो की, इसको भी देखो, ये भी मेरे साथ वीडियो में। लेकिन चले खैर, अब बासित को क्योंकि जाना है आज ही हरकत करने, तो हमें मुझे और अब्दुल बासित दो तीन काम करने मुझे जिंदगी में, वो कर लूं उसके बाद। मतलब पता है बासित को शक है कि आगे क्या होना है, बासित के साथ चांस पे जा रहा हूं। मुझे और अब्दुल बासित खान को इजाजत दीजिए, बासित करें ऐसे बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।